पर स्टार्टिंग है नीचे, देखो बिल तो नीचे होगा। कुल्लू मनाली ये हमारे पास की डेस्टिनेशन। हेलो गाइस, सो ये न्यू ब्लॉग हमने कर दिया शुरुआत साथ के साथ। और जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में उन्होंने बताया था कि न्यू सॉन्ग आने वाला है जल्दी, उसके लिए सबसे पहले तो हम दोनों को तैयार होना पड़ेगा क्योंकि हमारा वेट देख के कोई बोल नहीं सकता कि हम नए गाने में मॉडलिंग करेंगे। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमें ये दी है कि आप लोग अपना पेट फूट थोड़ा अंदर करो, उसके लिए हमारा खाना पीना कर दिया बंद, हमने खुद उन्होंने नहीं किया। दोपहर का खाना उन्होंने बंद किया, दोपहर को हम सिर्फ सैलेड लिया करेंगे, तो उसी की तैयारी हो रही है। ये तैयारी कर रही है और मैं खा रही हूँ। और हाँ, जैसे कि हमने बता ही दिया कि न्यू सॉन्ग आ रहा है, उसके लिए हम सॉन्ग के लिए न्यू चैनल भी बनाएंगे जिसपे हमारा सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक ही आया करेगा। जैसे ही वो चैनल बन जाएगा विद इन 1 to 2 days में शायद बन जाए, तो हम आप लोगों को बता देंगे। और आप लोगों का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, उस चैनल को शेयर करना है और हमारे वीडियो म्यूजिक वीडियो के आने की वेट करनी है। जैसे आपने हमारे इस चैनल को प्यार दिया ना, उसको भी हम मानते क्या पैसे प्यार दो। तो गाइज अभी सुबह के बज चुके हैं 11, मैंने अभी जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म किया है क्योंकि मानसी को ना कल रात से बॉडी पेन कर रही थी। आपको पता ही है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी पेन होती है, तो उसको भी कल रात को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पर जब भी हमारा ऐसा होना कि हाँ हमें यार बॉडी पेन कर रही है तो हमें एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए, तो उसने कल शाम को एक्सरसाइज की थी बट सुबह नहीं की है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसने पेन किलर भी लिए, पर उससे भी उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अभी भी वो पड़ी है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बस वो रेस्ट ही कर रही है, मैंने अभी उसको उठा रही हूँ। मानसी आए, और वो हमारा शरारती लगा हुआ है, वो देखो एक्सरसाइज करने। हाँ ठीक है, अब अभी भी हो रहा है। तो गाइस यही होता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी थोड़ा बहुत पेन करती है, जरूर करती है, मेरी भी हो रही थी। बहुत ज़्यादा करती है और मैं रात को पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात। मेरा भी ऐसे ही था, मेरा भी पेन हो रहा था, बट मैंने क्या किया कि मेरे को नहीं, मैंने दोबारा फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट की। रात हो रहा था, होता है कई बार मौसम ठंडा गर्म होता है तो वैसे भी ज़्यादा होने लग जाता है। तो आज इसको छुट्टी है संडे के कारण, तो ये देखो मस्ती लगी हुई है पूरी। तो अभी गाइज हम लोग जा रहे हैं हमारा बिल लेने, क्योंकि हमारा बिल है जो आ चुका है। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहे, हम आपको बताएंगे कि हमारा कितना बिल आया है। ऐसा आप राधा को देख सकते हो, ये क्या बनी हुई है, ये क्या बना हुआ है तू? मानसी मम्मा ये इसलिए बोल रहे क्योंकि इसने मेरी टी शर्ट पहनी हुई है, नीचे एक सॉक्स पहनी हुई है। ये कौन है मानसी मम्मा? ये मम्मा, मोंजू मम्मा, मोंजू मम्मा खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। मानसी मम्मा मुझे खाना बना दो, मुझे भूख लगी है। हाथ जल जाएगा तेरा? नहीं जलता, मम्मा का हाथ थोड़ी जलता होता है कोई। तू छोटा है, कितना छोटा है? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या बोले, कहाँ जा रही हूँ इतनी तैयारी करके, ये देख। और आप तो ना डरती है लिफ्ट में आने से, क्योंकि ना गाइस एक दिन क्या हुआ था कि हम लोग ना लिफ्ट में फंस गए थे, मतलब हम लोग ना लिफ्ट में जा रहे थे और लाइट चली गई थी अचानक से, तो लिफ्ट वहीं पे बंद हो जाती है। तो मैं तो डर गई थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे लिफ्ट में बंद हुई हूँ, तो आराध्या भी डर गई थी। और लिफ्ट मतलब सेंटर में जाके बंद हुई थी और हमने ना डोर ओपन कर दिया था लिफ्ट का, और वो क्या हुआ, वो वहां पे जब खुला तो आगे दीवार, मैं वैसे ही डर गई थी। तो ये हम लोग आज आए थे गेट पे और हमें पता चला कि गेट में सारे हमारे वीडियोस देखते थे। थैंक यू, आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है जब हमें कोई ऐसे बोलता है कि आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें और बनानी चाहिए, कि हमें कोई देख भी रहा है। तो यहाँ हम लोग आए थे, थैंक यू।
हम लोग आए थे यार बिल्ले ने तो अंकल अभी खाने का मैंने जो अपना दिन ना कल आपने भाई साहब को मारा है भाई साहब मुरली के परोठे के बारे में था हाँ सही है तो गाइस हम लोग आए थे यहाँ पे बिल्ले ने तो अंकल ने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है थैंक यू बहुत अच्छे बढ़िया करते हैं थैंक यू अंकल मीटर नहीं चल रहा है हमने मीटर वाले को बोला भी है वो पहले उन्होंने एक दिन बोला था वो नहीं आए मैं आज भी बोला लगा लेता हूँ हाँ वो लगाना है नया लगाना है वो खराब ही हो चुका है वो हमने बात तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमारा बिजली का बिल आ चुका है और कल रात में मारो भी थी इसलिए हमने इनको नहीं बताया कि हमारा बिजली का बिल कितना आया है तो हमारे लाइट का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आया है इस बार मुझे बता ही नहीं रही है बोलते कि पहले ना हम ब्लॉग ऑन करेंगे उसके बाद बिजली का बिल बताएंगे हाँ, और ना ही दे रहे हैं मेरे को हाँ, क्योंकि करने... आप ही बोलते हैं ना सारा दिन ऐसे चला के बैठे फिर हमने पति की आज्ञा का पालन किया बिल कितना आया अब बिल आ गया ज्यादा तो हमें अगर कैमरा बंद करके हम आपको बताते तो आप हमें गालियां निकालते हैं हमने इसीलिए कैमरा ऑन किया कैमरे के सामने तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते मुझे पता है 15,000 तक बिल का एस्टीमेट मैंने भी लगाया था अगर ज्यादा हुआ अगर 15 आया हुआ तो आपने हमें देने हैं ठीक है अगर ज्यादा आया हुआ तो माफ क्या बोल रहे गाइस बोला क्या एडजस्ट कर लेना एडजस्ट कर लेना मतलब जितना भी आया मुझे दे देना मैं भर के आऊंगी बिल अगर ज्यादा आ गया क्या क्या चाहती है मैं बताती हूँ इसकी गलती नहीं है ये डॉक्टर के पास गए थे अभी तो ये थक गई है बेचारी अभी सोई हुई उठाई इन्होंने ना मुझे कल का बताया नहीं बिल के बारे में कहते कि हमने इसलिए नहीं बताया कि रात बीमार होगी तो ये चुप करके मुझे बताया नहीं अभी बता रहे कि बिल आ चुका है मैंने कहा बताओ कितना कहते पहले हम कैमरा ऑन करेंगे चल बता दो कर दिया वो कैमरा ऑन मैंने क्या कहा अब सारी बात मैंने वैसे आपको ओरली बता देती हूँ 45,000 बिल आया हमारा बाकी आप चेक भी कर लो एक बार तो भाई जी उन्होंने पता क्या कहा था हमें बोला था मेरे कमरे में ना आप लोग आने नहीं चाहिए सारा दिन अपने कमरे में बैठो फोन चलाओ जो मर्जी करो ये ऊपर स्टार्टिंग है नीचे देखो बिल तो नीचे होगा हाँ क्या हुआ आ जाइए ये पंजाब में ठीक है तो मुझे ये पंजाब में बिल कहाँ कैसे लिखा होता है ये चेक करना सिखाएगी मुझे बिल तो कितनी देर हम बातें कर लेना गाइस हमारा बिल पता कितना है हमने गवर्नमेंट से 90 रुपए लेने हैं -90 तो ये ना और मुझे वैसे मुझे ये अभी था एक बात और बताऊं जिस दिन सच में शेर आ गया ना मैं मानूंगा नहीं तुम लोगों की बात वो वाली बात कर रहे हैं पता क्यों पिछली बार भी उन्होंने ब्लॉग में बोला था पता नहीं कितना ज्यादा 80,000 बिल आ गया अब इस बार बोल रहे 45 और मेरे मन में था 10,000-15,000 तक एस्टीमेट था कि इतना बिल आया होगा लेकिन बिल नहीं आया चलो अच्छा है एसी अभी भी चल रहा है एसी बंद होता ही नहीं है तो इस बार वो तो चलो आया ही नहीं है जब तो गवर्नमेंट चलो पंजाब की बाकी अच्छी है नहीं आई डोंट नो ना मैं किसी की शिफ्ट करूंगा लेकिन एक चीज की सिर्फ एक चीज की शिफ्ट करूं बाकी पता नहीं ये बिल जो 600 यूनिट माफ है ये ठीक है ये बाकी तुम लोग अभी भी ऐसे चल रहा है मैं तो तब ज्यादा अच्छी मानूंगी जब मेरे 90 रुपए मेरे को मिलेंगे मैंने जाके ले आओ तो दे देंगे कहाँ से मिलेंगे जहाँ बिल भरते हैं वहाँ से तो ना घर पे कर दो ना मेरे को भेज दो घर पे अब बड़ी पी आई पी पर्सन है घर पे भेज 90 रुपए लेने जाना तो कर 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 12,000 बिल जो आता था वो नहीं आया वो तो शुक्र है अच्छा थैंक गॉड और जो भी है एक काम करते हैं इसको 100 रुपए का एक्टिव है पेट्रोल डलवा के 90 रुपए ले आ जाके एक चीज पूछो अगर हम ऐसे 90 90 90 90 इकट्ठे करते जाए हाँ तो इकट्ठे होके हमें मिल जाएंगे हाँ लेकिन अब तो तब तो एसी जो हमने लगाया था एक मंथ के आसपास कम ही हुआ है तभी अभी तो पूरा 2 मंथ चल रहा है ना पता चलेगा बिल का तो फिर ये वाले 90 रुपए अगले बिल में कट जाएंगे छोड़ तो गाइस अभी हमारा जो अभी ये 45,000 तुम लोग ये थैंक यू बोलो क्योंकि हमने जाना है घूमने ठीक है हमने घूमने जाना है उसके लिए पैसा थोड़ा बहुत रखा है नेक्स्ट इनकम जब तक आएगी तब जो पैसा सेविंग में हमारी हमारा है शिमला चेल नारकंडा कुफरी एंड नादेड़ ये ऐसी था जगह है जो जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे हम घूमने जाएं क्योंकि कुल्लू मनाली ये हमारे पास की डेस्टिनेशन है तो आप लोग ना गाइड करना कि हमें कहाँ जाना चाहिए जहाँ तो हम प्लान तो आगे भी है वैष्णो देवी का कश्मीर घूमने का वो नेक्स्ट टाइम का है लेकिन इस टाइम का है कि ये हमारे एक तो पास पड़ता है हमारे बजट में आ रहा है तो प्लीज आप लोग अब तो आप ही फैमिली हो यार ऑलवेज बोलता हूँ तो आप अच्छे कमेंट भी करते हो अब तो
तो जो मेरी फैमिली मेंबर्स बैठे हैं यूट्यूब पे, वो मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे इन सिटीज में से बताएं कि मुझे कहाँ घूमने जाना चाहिए। और आप लोगों का अगर जहाँ भी मैं जाऊँगा ना, मैं टोटली बताऊँगा जो सिटी आप ज़्यादा डालोगे कि यहाँ पे सबसे फेमस क्या है, खाने के लिए फेमस क्या है, प्लेस कौन सी फेमस है, यहाँ का कल्चर क्या है, मैं सब चीज़ें कोशिश करूँगा कि कैप्चर करूँ वहाँ पे जाके। चैनल को करना है सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आज का ये व्लॉग हमारा कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। हमारी इरादे आप ठीक है, सो आप सब लोगों का प्यार है कि हम और वैली अब अच्छा ही अच्छा है, सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। और कुछ कहना है ना बिर बिर जी? और गाइस जल्दी जल्दी बता देना क्योंकि पता नहीं लगता कब मूड बदल जाए, हमने जल्दी जल्दी घूमने जाना है। अच्छा छुट्टियां तो होने दे, दो दिन रह गए हैं बस। हां बोल, मैंने बोला भी रहता है कि छुट्टी हुई नहीं है वैसे, दो दिन रह गए, मैंने बता दिया। चलो गए, बाय 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 गाइस, हमारी तो बातें खत्म नहीं होंगी। हाँ ये अब इसकी बकवास, अब हम सो जाएंगे। अब ये बोलती सबसे ज्यादा घर में बोलती रहती है, ऑलवेज बोलती रहती है, तो अब तो ब्लॉक के कारण हमें आंखें ऐसे खुली रखनी पड़ती है, जवाब भी देना पड़ता है इसकी बातों का, अदरवाइज हम कोई से जवाब भी नहीं देते, सो जाते या काम करने लगे। कैमरा ऑफ करना हो।